तो आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी पकोड़े बनाने मैं आपको बताऊंगी। और ये जो बनाए हैं मैंने, ये है बॉटल गार्ड से घिया या फिर लौकी भी इसको कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लौकी ले लिया है, आधा ही लिया है, जितना मुझे खाना है और परिवार के सदस्यों को खाना है उतना ही लिया है। और साइड में मैंने बेसन घोल के रख लिया है, उसमें कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, धनिया, चाट मसाला डाल के रखा है, अजवाइन। इस तरीके से कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, कॉर्नफ्लावर में इस तरीके से कोट कर लेंगे जो हमने घिया काट के रखें। घिया को हल्का सा मोटा ही काटेंगे गाइस, क्योंकि हम जो पकौड़े बना रहे हैं ना वो थोड़े से जूसी होंगे। अगर घिया पतला काटेंगे तो वो ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लस जूसी भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही काट। इस तरीके से सारे जो घिया के पीसेस हमने राउंड काटे हैं, आप चाहे किसी भी शेप में, लाइक जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं उस शेप में भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने गोल ही काटे हैं। इस तरीके से अजवाइन मैंने, ये जो बेसन है इसमें ऐड कर दिया है, आप चाहे तो चावल का आटा भी, लेकिन मैंने सिंगल सिर्फ बेसन, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर के पत्ते, इस तरीके से धनिया डाला है और नमक स्वाद अनुसार, और चाट मसाला डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे गाइस। ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, अच्छे से कोट हो जाए, और कोट गाइस होगा अच्छे से, बिकॉज हमने क्या किया है, घिया जो काटा था लौकी उसको हमने अच्छे से लपेट लिया है सूखे कॉर्नफ्लावर में, ठीक है। इस तरीके से बैटर बना लेना है। यहाँ पे मैं टाटा संपन्न का बेसन यूज कर रही हूँ, ये फाइन बेसन है गाइस, आप चाहे तो मोटा या पतला जैसा मर्जी बेसन आप ले सकते हैं, कोशिश कीजिएगा फाइन बेसन ले। यहाँ पे आप हल्का सा चेक के देख लीजिएगा कि हाँ इस तरीके से बैटर होना चाहिए, ये देखिए गाइस, ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल में, क्योंकि गाइस सरसों के तेल में, पतंजलि का सरसों का, येलो वाली सरसों का ऑयल है, इसका टेस्ट ही एक नेक्स्ट लेवल का आता है। और ये मैंने कोट करके इस तरीके से सारे पकोड़े डाल दिए, पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे, और जब पकोड़े हल्के से, मतलब आपको लगेगा कि हाँ बेसन उसके ऊपर कच्चा नहीं लग रहा है, तब आप गैस को सिम कर दीजिएगा, मीडियम कर दीजिएगा, और इस तरीके से कोशिश कीजिएगा अच्छे से इसको पलट दें। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये आलू के, और इस तरीके से आप आलू के या प्याज के भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार आप घिया के बना के देखिएगा गाइस, लौकी के जरूर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो लोग घिया नहीं खाते हैं ना, वो लोग इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, सरसों के तेल में ही एक बार बना के देखिएगा, रिफाइंड ऑयल में या किसी अलग ऑयल में मत बनाइएगा इसको। आप अगर आपने घर में नॉर्मल दाल चावल बनाया है ना और घिया रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बाकी के भी पकोड़े इसी तरीके से तल लेती हूँ। इस तरीके से गाइस, जो हमने यहाँ पे कोट किया है ना कॉर्नफ्लावर, उसकी वजह से बेसन अच्छे से लपेट रहा है, लाइक बेसन ना अच्छे से घिया पे उसकी कोटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं। और इसमें हमने हल्की सी हल्दी भी डाली है, इस वजह से कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है पकोड़ों पे, दाल चावल। और ये देखिए, इसको यूपी बिहार में कतरा भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको पकोड़ी ही बोलते हैं। अब थोड़ा सा जो बैटर बच गया है गाइस, वेस्ट करने से अच्छा है, मैंने 2 से 4-5 हरी मिर्च ले ली है और उनमें लगा दिया है चीरा, और उनको भी पहले अच्छे से कोट किया है मैंने कॉर्नफ्लावर में। और इस तरीके से मैंने सारी ही हरी मिर्चों को कोट करने के बाद बेसन में डाल दिया है, और इसका भी हम अच्छे से कोट हो जाएगा और इसके भी पकोड़े बना लेंगे गाइज। ये भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इस बैटर में चाट मसाला डाला है, और इस तरीके से हमारे मिर्च के पकोड़े भी रेडी हैं गाइज। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, मेरा न्यू चैनल है, और मुझे अप्रिशिएशन मिलती है आप लोगों के कमेंट्स से। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए इजी रेसिपी और हेल्दी रेसिपी लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।